इस ब्यूटीफुल गेम कहने के पीछे वजह है जिसे गेम के लेजेंडरी प्लेयर पेले ने बिल्कुल साफ साफ दिखा दिया है। फुटबॉल या जिसे यूएस में सॉकर कहा जाता है 93 कंट्रीज का नंबर वन स्पोर्ट है। सबसे जरूरी है कि जो फॉरेनर्स या लोग मैच देखने आते हैं उन्हें अच्छा मैच देखने को मिले और उन्हें वहाँ के लोगों की तरफ से अच्छा माहौल मिले। इसकी वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी को इसकी सिंपलिसिटी से जोड़कर देखा जा सकता है जिसमें कोई फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ एक फुटबॉल की जरूरत है। आई थिंक यही एक गेम है जो दुनिया की सभी कंट्रीज को एक साथ जोड़ता है। यस yes, ये एक लैंग्वेज है, ये फुटबॉल, ये स्पोर्ट सबको एक साथ लाता है और इसकी वजह से हम सब एक दूसरे से बात करते हैं। मडी फील्ड से तपती सैंड तक इसे कहीं भी खेला जा सकता है और कोई भी इसे खेल सकता है, बॉयज और गर्ल्स, अमीर या गरीब। ये स्पोर्ट सभी को अपनी तरफ खींचता है। फुटबॉल अब एक ऐसा स्पोर्ट है जिसे बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। पिछले 3000 सालों से ये पूरी दुनिया का गेम है और पिछले सैकड़ों सालों से हर लेजेंड की शुरुआत लगभग एक जैसी ही रही है। बेकहम से लेकर पेले और सर बॉबी चार्ल्टन तक सबकी जर्नी उसी तरह शुरू हुई जैसे बाकी लोगों की हुई। इट्स वेरी गुड फॉर एवरीवन टू मेक पीपल हेल्दी, पीपल इज पैशन फॉर फुटबॉल। ये 3000 सालों से पूरी दुनिया में खेला जाने वाला गेम रहा है और सैकड़ों सालों से हर लेजेंड ने एक ही पॉइंट से शुरुआत की है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी, रियल मैड्रिड और पोर्चुगल के स्टार प्लेयर, जिनकी शुरुआत भी बाकी प्लेयर्स की जैसी रही। फ़रवरी 1985 को मरिया डिलोरिस डॉस सांटोस अवियरो और जोजे डीनिस अवियरो के यहाँ एक बेबी बॉय का जन्म हुआ। वो सिंपल लोग थे और एक कुक और गार्डनर के तौर पर सांटो अंटोनियो फुंचाल में अपनी जिंदगी जिए जा रहे थे। ये स्मॉल टाउन पोर्चुगल के मडेरा आइलैंड पर बसा है। सांटो अंटोनियो मतलब सेंट एंथनी, और उस दिन भी फुटबॉल की दुनिया में एक सेंट ने ही जन्म लिया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सांटोस अवियरो। ये नाम उनके फादर के फेवरेट एक्टर यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन के ऊपर रखा गया था, मगर रोनाल्डो की शुरुआती जिंदगी हॉलीवुड मूवीज से बिल्कुल अलग थी। उनकी रैक्स टू रिचेस स्टोरी की शुरुआत बचपन से ही हुई जब उनका परिवार बहुत गरीब था। टाउन के बाकी लोगों की तरह उनकी कैथोलिक फैमिली को भी सर्वाइव करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। घर और खाना उनके लिए लग्जरीज थी और क्रिसमस पर शायद ही कभी दावत होती हो। उनका घर टीन की छत वाला एक झोपड़ा था जिसमें पोर्चुगल में अक्सर आने वाले तूफानों की वजह से लीकेज होती रहती थी। क्रिस्टियानो घर के सबसे छोटे लड़के थे जिनके बड़े भाई ह्यूगो और बड़ी सिस्टर्स एल्मा और लिलियाना कैटिया थीं। घर छोटा था इसीलिए रोनाल्डो को अपने भाई और दोनों बहनों के साथ रूम शेयर करना पड़ता था। मिट्टी का फ्लोर ही उनका बेड होता था, कपड़ों का गट्ठर पेलों का काम करता था, और फैमिली की गरीबी की वजह से बचपन में उनका कोई दोस्त भी नहीं था। वो एक लोनली बॉय थे जिनका इकलौता दोस्त बना एक कटा फटा फुटबॉल जो उन्हें रास्ते पर पड़ा हुआ मिला था। वो उस बॉल को लेकर पास की दीवार पर जाते और सीमेंट और स्टोन से बनी उस दीवार के साथ प्रैक्टिस करते। वो हर वक्त अपने उस फुटबॉल दोस्त के साथ रहते और कई बार तो उसके लिए खाना और स्कूल भी छोड़ देते थे। क्रिस्टियानो, बेने कमेर। आपको सॉकर के लिए किस चीज ने इंस्पायर किया? किससे इंस्पायर होकर आपने ये खेलना शुरू किया? Well, ये एक बहुत ही अच्छा और मुश्किल सवाल है। मैं नहीं जानता कि मैं फुटबॉलर क्यों हूँ। शायद बचपन से मैं फुटबॉल ही खेलता आया हूँ और क्योंकि ये एक पॉपुलर स्पोर्ट है, शायद इसकी वजह ये भी है कि
मेरा भाई, मेरे फादर और मेरे कजिन्स सब फुटबॉल खेला करते थे। Hay feito una presença ao vivo y estoy feliz con muy mucha energía para hacer el mejor. रोनाल्डो का बचपन भी एक दूसरे फुटबॉल ग्रेट एडिसन अरांतेस डो नासिमेंटो से काफी मिलता जुलता है। शायद आप उन्हें सिर्फ पेले के नाम से जानते होंगे। वर्ल्ड कप के 3 बार चैंपियन बनने से पहले और 1300 से भी ज्यादा गोल्स मारने से पहले पेले के करियर की शुरुआत पुराने सॉक्स के फटे चिथड़ों को लपेट कर बनाई गई बॉल से हुआ था। उनके फादर जो माइनर लीग फुटबॉलर थे, उन्होंने पेले को ये गेम सिखाई। अपनी डेडिकेशन की वजह से पेले सबसे यंग प्लेयर थे जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता। 17 साल की उम्र में उन्होंने ब्राजील के लिए 6 गोल मारे। जोर से और जोर से। और पेले की ही तरह रोनाल्डो के लिए भी ये फुटबॉल नहीं था बल्कि अंदर का गुस्सा था। फुटबॉल उनकी जिंदगी थी। उन्होंने अपने स्किल्स को सबके अगेंस्ट खेल के डेवलप किया, चाहे वो यंग हो या ओल्ड। Without application, your talent doesn't mean anything. You've got to have the two. Application without talent is difficult, but you can still maybe get by. Talent without no application, you've got no chance. 8 साल की उम्र में रोनाल्डो ने एमेचर लोकल टीम एंडरीना को ज्वाइन किया। उस एज में ये यंग चाइल्ड आज फील्ड को कमांड करने वाले मसल्ड एथलीट से बिल्कुल अलग था। उनके बहुत दुबले पतले होने और कंपटीशन के हिसाब से डेवलप ना होने के बावजूद वो फौरन सबकी नजरों में आ गए। रोनाल्डो ने काफी यंग एज में ही शुरुआत कर दी थी। आई मीन हम सभी बचपन से फुटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं। जब आप 10-12 साल के होते हैं तो वहाँ के लोकल क्लब और प्रोफेशनल क्लब आपके ऊपर नजर रखना शुरू कर देते हैं कि आपके अंदर आगे बढ़ने की एबिलिटी है या नहीं है। रोनाल्डो की स्किल्स पर काफी लोगों की नजर टिकी हुई थी। स्पेन, पोर्चुगल और इंग्लैंड के छोटे फुटबॉल क्लब्स हमेशा अपने नेक्स्ट स्टार की तलाश में रहते हैं और इसका कंपटीशन काफी टफ होता है। और सिर्फ बॉल को गोल में मार देना ही आपके नोटिस होने के लिए काफी नहीं होता। सबसे पहले आप प्लेयर में उसकी नेचुरल एबिलिटी देखते हैं। हम उसे क्या कोच करेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन उसके पास क्या है जो वो हमें दिखा सकता है। उसके बाद आता है कि क्या उसके अंदर इस गेम को लेकर जज्बा है, क्या उसे ट्रेनिंग करना अच्छा लगता है, उसे कोचिंग पसंद है, क्या उसके अंदर गेम को लेकर पैशन है और क्या वो एंथुसियाज्म से भरा पड़ा है, ये सब देखना पड़ता है। वैसे यंग रोनाल्डो के लिए ये चीजें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में वो अपने पुअर स्मॉल टाउन से 900 किलोमीटर दूर लिस्बन सिटी आ गए थे जहां उनके पास स्पोर्टिंग का ऑफर था। उन्हें मौका मिला कि वो पोर्चुगल के एक बहुत बड़े क्लब की तरफ से खेले, जिससे वो अपनी फैमिली के साथ रहते हुए प्रोग्रेस कर सकते थे। और ऐसे ही वक्त में आपको सपोर्ट की जरूरत होती है अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। भले ही दुनिया उनके पीछे भागने लगी, लेकिन ये ट्रांजिशन क्रिस्टियानो के लिए आसान नहीं था। अब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इस प्लेयर को कभी पॉपुलैरिटी से प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन फैंसी कार्स, एक्सपेंसिव क्लोथ्स और सुपर मॉडल गर्लफ्रेंड से बहुत पहले रोनाल्डो बिल्कुल अकेला था। घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक अनजान शहर का स्कूल उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत था। मगर जब वो फुटबॉल फील्ड पर होते तो सब भूल जाते। क्लासमेट्स उनके मैडरीन एक्सेंट की वजह से उनका मजाक उड़ाते, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो अकेले रहने लगे और अपने एजुकेशन और टीचर्स पर से उनका भरोसा उठ गया। अंदर का ये गुस्सा बॉइलिंग पॉइंट पर तब पहुंचा जब 14 साल के रोनाल्डो ने अपने इंस्ट्रक्टर पर चेयर फेंक दी। उन्हें निकाल दिया गया, लेकिन उनकी माँ ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने पूरे जोश के साथ अपने बेटे के उभरते फुटबॉल करियर को सपोर्ट किया और अपनी फैमिली के सपोर्ट के साथ रोनाल्डो इस ब्यूटीफुल गेम के स्टार बनने की तरफ बढ़ते रहे। That's what it's all about, it's dedication. Keep working. You haven't got to be too old or too young, just keep working at your physique. We've constantly got to be trying to bring players into the first team squad. So the pressure's there every year to sort of make sure that the quality is good enough. लेकिन अगले साल रोनाल्डो के सामने एक और मुश्किल आ गई। उन्हें रेसिंग हार्ट कंडीशन की प्रॉब्लम से डायग्नोज किया गया। A diagnosis that could have ended his football career. There you go. Okay. Though the young player thought the issue was merely a waste of time, Maria was devastated. Então é o coração dele. Vamos ter que entrar e operar. Oh no, it's my second. Vamos ter que entrar e operar. Oh no, pero es algo serio. Vai ser melhor do que antes. Não se preocupe. Ok, está bien. Todo va a estar bien. Vamos a hacerlo. Ronaldo ki mother ne unka operation karvane ka faisla kiya. Uske baad jo hua, wo puri duniya janti hai.
पहले से भी अच्छी हालत में आ चुके रोनाल्डो के लिए 12th August 2003 को किस्मत ने सारे दरवाजे खोल दिए। इस 17 साल के प्लेयर के ऊपर सभी फुटबॉल स्काउट्स की नजर थी। क्रिस्टियानो की टीम का मुकाबला फुटबॉल जायंट मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ था। ओल्ड ट्रैफर्ड का मैदान मडेरा पोर्चुगल के डर्ट से भरे हुए फील्ड से बिल्कुल अलग था और मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल आइकन्स थे। लेजेंडरी कोच सर एलेक्स फर्गसन के सामने भी बिना डर के खेलते हुए रोनाल्डो ने लाइफ टाइम परफॉर्मेंस दिया और उनकी टीम ने मैच 3-1 से जीत लिया। आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट खेला गया वो मैच उनके करियर को आगे बढ़ाने वाला सबसे बड़ा स्टेपिंग स्टोन था, क्योंकि उसी वक्त सबको नजर आया कि इस प्लेयर में कुछ ऐसा है जो इसे काफी आगे ले जा सकता है और ये काफी बड़ा बन सकता है। आयरोनिकली असिस्टेंट कोचेस ने रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए साइन करने का आइडिया नहीं दिया था, बल्कि प्लेयर्स ने दिया था। मैच के बाद घर वापस आते हुए उनके वुड बी टीम मेट्स ने फर्गसन को कन्विंस किया कि रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड में होना चाहिए, लेकिन दूसरे क्लब्स ने भी इस टीनेज फिनोमिनन को पहचान लिया था। आर्सेनल के मैनेजर आर्सेन वेंगर की वजह से रोनाल्डो का मैनचेस्टर यूनाइटेड तक का सफर डीरेल होने वाला था। इनफैक्ट रोनाल्डो गुनर्स के साथ डील साइन करने ही वाले थे, मगर फर्गसन ने रोनाल्डो को चुरा लिया। मुझे याद है जब वो यहाँ आया था तो 17 साल का था और उसने खुद को एक ग्रेट फुटबॉलर के रूप में डेवलप किया और ये एक अच्छी बात है। कभी घुमा फिरा कर बात न करने वाले फर्गसन एक विजनरी थे जिन्होंने दुनिया के बेस्ट फुटबॉल क्लब को 20 साल से भी ज्यादा वक्त तक चलाया। उन्होंने 38 ट्रॉफीज जीती जिनमें 3 प्रीमियर लीग टाइटल्स भी थे। ट्रेनिंग सेशन की इंटेंसिटी, एक्सपेक्टेशन, लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का पता हमेशा गेम खत्म होने पर चल जाता है। उनका करियर वाकई कमाल का रहा है। बहुत से मैनेजर्स उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं और उन्हीं की तरह कामयाब होना चाहते हैं। उन्होंने मेरे लिए काफी कुछ किया है एज ए मैनेजर और वो मुझे मैनचेस्टर यूनाइटेड में ले आए और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा और कामयाब हुआ। उनके आने के बाद ये बात रखी गई कि रोनाल्डो को स्पेशल जर्सी पहननी चाहिए। I want you to join us. Leave my club in Spain. This move will change your life. But Ferguson insisted. Cristiano Ronaldo would don the heavily weighted number 7. I want you to wear number 7. I can't. That number belongs to legends. Exactly. आपको ऐसे फादर फिगर की जरूरत होती है जो आपका ख्याल रखे, आपको अपनी गाइडेंस में ले ले और आप एज ए प्लेयर उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर भरोसा कर सके। और बिल्कुल यही चीज हुई जब आपको सर एलेक्स फर्गसन जैसा मैनेजर मिलता है और उनके साथ बैकरूम स्टाफ और ऑब्वियसली ऐसे प्लेयर्स मिलते हैं जो सेटल करने में हेल्प करें, तो आप बिना टेंशन के खेल सकते हैं। यूनाइटेड ने रोनाल्डो को 15 million euro की भारी भरकम ट्रांसफर फी के साथ साइन किया। आपके पास ऐसा मैनेजर है जो 20 साल से इस फील्ड में है, जिसने गेम का लगभग हर टाइटल जीता है, जिसका सक्सेस रिकॉर्ड अनबिलीवेबल है। आई थिंक ये मेरे खेलने का तरीका है। जब मैं बचपन में मडेरा में खेलता था तब भी मुझे एक प्लेयर के साथ वन ऑन वन खेलने में ज्यादा मजा आता था। ये मेरा नेचर है और मैं हमेशा ऐसा ही खेलता आया हूँ। बॉल की स्पीड और उसे मैनिपुलेटिंग करता फुट, इन एंड आउटसाइड ऑफ फुल बैक में डिसीजन लेना, खेलना, फिर दूसरी पोजीशन पर मूव करना, वो भी स्पीड के साथ, और ये सब ग्रेट स्पीड में हो, तो ये चीज मुझे इस गेम में बहुत इंटरेस्ट दिलाती है। रोनाल्डो पहले यंग फुटबॉल स्टार नहीं थे जिन्होंने मैनचेस्टर को ज्वाइन किया और नंबर 7 की जर्सी पहनी। डेविड बेकहम ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ अपने करियर की शुरुआत 17 साल की उम्र में की थी। बेकहम फॉरेन वर्ल्ड के बेस्ट फुटबॉलर्स में से एक बन गए और ओल्ड ट्रैफर्ड के शानदार ग्राउंड पर 6 लीग टाइटल्स और 2 FA कप्स में जीत हासिल की। उसके चेहरे पर हमेशा लवली स्माइल रहती है और वो हमेशा खुद को अच्छी तरह से प्रेजेंट करता है, लेकिन एज ए यंग किड जब मैंने उसे 12 साल की उम्र में देखा था तो उसके अंदर बेस्ट फुटबॉलर बनने का जज्बा था। वो फैंटास्टिक ट्रेनर था, हर वक्त प्रैक्टिस करता रहता, रात में भी स्कूल बॉयज के साथ प्रैक्टिस किया करता था। रोनाल्डो की ही तरह बेकहम ने भी हीरो और विलन दोनों का रोल अदा किया। 1998 वर्ल्ड कप के सेकंड राउंड मैच में अर्जेंटीना के अगेंस्ट बेकहम को फाउल दिया गया क्योंकि उन्होंने मिडफील्डर डिएगो सिमियोनी के काफ पर किक मारा था। बेकहम को रेड कार्ड दिखाया गया और इंग्लैंड एलिमिनेट हो गया। इस हार का जिम्मेदार बेकहम को माना गया और उन्हें और उनकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स भी मिले। उन्हें मीडिया में बहुत उल्टा सीधा कहा गया और उनके क्रेजी फैंस ने उनके पुतले तक जलाए थे। आपके अपने फैंस होने बहुत जरूरी हैं। आपको ऑपोजिशन फैंस का गुस्सा झेलना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपके अपने फैंस होते हैं
तो वो उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं और उनकी वजह से आप बुरे वक्त को अवॉइड करते हुए उससे बाहर निकल आते हैं और मुश्किल टाइम में फैंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। But in 2002, Beckham helped England to qualify for the World Cup finals with a legendary free kick goal against Greece with little time remaining. I don't believe it! David Beckham scores the goal! This triumph helped Beckham restore his relationship with the football fans of England. Another example of how performance on the international stage can truly define a player's career. अगर आप इन players और countries की बात करें तो Beckham इनके बीच एक link है और इसके बहुत ज्यादा chance है कि वो Ronaldo को US League यानी MLS में participate करने के लिए बुला ले और अगर ऐसा हुआ तो ये US के लिए सचमुच बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मैं टीम को यहाँ बुलाने के लिए और MLS का पार्ट बनने के लिए बहुत excited हूँ। मैं आगे भी MLS से जुड़ा रहूंगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यूनाइटेड करियर शुरू से ही बहुत सक्सेसफुल रहा। पहले सीजन में रोनाल्डो ने ओपनिंग गोल किया और FA कप फाइनल में मेलवॉल के ऊपर यूनाइटेड को 3-0 की जीत दिलाई। वो सबसे पहले पोर्चुगीज फुटबॉलर थे जिन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेला। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सिर्फ वापसी ही नहीं की बल्कि प्लेयर ऑफ द ईयर भी बन गए। रोनाल्डो को मास्टर स्ट्राइकर कहा जाने लगा। वो अटैकिंग रोल में किसी से भी बेहतर खेलते थे और उन्हें स्टेप ओवर का सुल्तान कहा जाने लगा। जिनके दोनों पैरों में कमाल की स्किल थी, वन ऑन वन खेल में वो किसी भी प्लेयर को हराने की एबिलिटी रखते थे। फुटबॉल का पूरा गेम ही चेंज हो चुका है, पूरी तरह से चेंज हो गया है। यू नो, अब आपको बिल्कुल वही फूड्स खाने पड़ते हैं जो डाइटिशियन बताए। आपके हार्ट रेट, पल्स रेट, हर चीज को मॉनिटर किया जाता है। उनकी हाइट, स्ट्रेंथ और वर्टिकल लीप उन्हें एरियल चैलेंजेस में फायदा पहुंचाते हैं और सच्चाई ये है कि उनके ज्यादातर गोल्स हेडर्स हैं। So I think he's been a fantastic advert for the game. His scoring record ratio to games played is second to none. Ronaldo, tremendous player, one of the best players in the world, if not the best goal scorer in the world. And when he scores goals, he left foot, right foot, he can head a ball, he can take people on, he step overs. 2005 में मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ उनकी कामयाबी की बुलंदियों के दौरान रोनाल्डो को एक बहुत बड़ा धक्का लगा। उनके फादर इस दुनिया में नहीं रहे। होजे की मौत क्रॉनिक लिवर कंडीशन की वजह से हुई, जो कई साल तक अल्कोहलिज्म के अगेंस्ट लड़ते हुए डेवलप हुई थी। वो 52 साल के थे और रोनाल्डो की उम्र उस वक्त सिर्फ 20 साल की थी। ये उनके लिए बहुत बड़ा लॉस था, लेकिन हमेशा की तरह जिंदगी के हर मुश्किल वक्त पर साथ खड़ी रहने वाली रोनाल्डो की मदर मरिया इस वक्त भी उनके साथ खड़ी थीं। वो उनकी जिंदगी में सपोर्ट और लव का सबसे मजबूत। रोनाल्डो के दिल में अपने फादर के जाने का दुख आज भी है, क्योंकि वो अपनी सक्सेस अपने फादर के साथ शेयर नहीं कर पाए। आज भी वो नहीं भूल पाए हैं कि उनके डैड ने किस तरह उन्हें इस गेम के लिए एक्टिवली सपोर्ट किया था। बहुत से लोगों को लगता है कि वो बहुत दिखावे पर बिलीव करते हैं, जिसे सिर्फ अपनी इमेज को लेकर कंसर्न है, जिससे उनके लिए मुश्किलें बढ़ी और अपने एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लोग उनसे चिढ़ने लगे। मुझे लगता है उसने तब अपने आप को टोन डाउन किया जब वो मॉडल्स और दूसरे स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ हैंग आउट करने लगा, और इस चीज से उसने बहुत कुछ सीखा। यू नो, उसे ब्लिंग और सॉलिड टैन बहुत पसंद है, बट आई थिंक ओवर द टाइम उसने बहुत कुछ सीखा है और काफी मैच्योर भी हुआ है, जो उसके फैशन और स्टाइल को देख कर पता चलता है। रोनाल्डो अब अपने आप में एक ब्रांड है। The guy is total professional. What he does in his own time is up to him. I mean, he is obviously, I think he gives quite a good image for a footballer. दूसरे फैंस को लगता है कि वो बिना किसी प्लेयर के कांटेक्ट में आए ही डाइव मारते हैं और उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि रोनाल्डो जैसा वेल बिल्ट प्लेयर इतनी आसानी से कैसे नीचे गिर जाता है। रोनाल्डो की तरफ से रेफरीज के ऊपर प्रेशर बनाना 2006 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के अगेंस्ट दिखाई दिया, जब वेन रोनी का पैर, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में उनके टीममेट थे, पोर्चुगल डिफेंडर के रूप में खेल रहे रोनाल्डो पर लग गया। जब रोनाल्डो ने इस बात को रेफरी के सामने प्लेट किया तो रोनी ने उन्हें धक्का मार दिया, जिसके बदले रोनी को रेड कार्ड दिखाया गया। लेकिन कैमरास ने रोनाल्डो को अपने टीममेट को विंक करते हुए पकड़ लिया। पोर्चुगल ने क्वार्टर फाइनल जीत लिया, लेकिन रोनाल्डो अपने फैंस की नजरों में गिर गए। किसी दिन कोई तुम्हें बहुत बुरी तरह हराएगा ऐसी घटिया ट्रिक के बदले। कौन हो सकता है? रूनी ही हो, क्या पता। सच में एक बार उसने तुम्हें मजा चखाया था, तुम्हें याद है ना? देखते हैं। रोनाल्डो और रूनी के बीच टेंशन इतनी बढ़ गई कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का इससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया। इसका सारा जिम्मेदार रोनाल्डो को माना जा रहा था। CR7, जो उनका नाम पड़ चुका था।
अब फुटबॉल का सबसे बड़ा विलेन बनता जा रहा था. You just have to learn that a big part of your life is not going to be private, and to be very mindful with your words, you know, because you slip up once, they don't forget it. जल्द ही ये रिपोर्ट्स आने लगी कि रोनाल्डो अब रियल मैड्रिड के लिए खेलना चाहते हैं. वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के बाद उस टीम में जा रहे थे और इस दौरान उन्होंने जो प्रोग्रेस की थी उसे देखते हुए वो कहीं भी जा सकते थे और वो रियल मैड्रिड टीम के साथ आगे बढ़े जो बहुत बड़ी टीम बन चुकी थी और वो उसी क्लब में जाना चाहते थे. उनकी फैमिली भी आई थिंक यही चाहती थी कि वो उस क्लब में जाएं. उनकी मदर और वो ऐसी सिचुएशन में थे कि वो इनकार नहीं कर सकते थे. प्रेस में लॉकर रूम के झगड़ों की कहानियां आने लगी और टीम की केमिस्ट्री खत्म होती दिख रही थी. लेकिन अगर रोनाल्डो जीते तो कोई उन्हें ब्लेम नहीं कर सकता था. उन्होंने इसका जिम्मेदार फैंस के गुस्से और रिएक्शन को बताया. उनके पास बहुत से एक्सक्यूजेस थे और उस वर्ल्ड कप इंसिडेंट से बाहर आना नामुमकिन लग रहा था, मगर वो आसान रास्ता कभी नहीं चुनते. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर कमेंट ना करें तो बेहतर है, और इस मामले में भी मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं. मैंने जिस भी क्लब के लिए खेला है मैंने हमेशा कोचेस की रिस्पेक्ट की है और मैं हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हूं. इसलिए मैं हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूं. जो लोग मेरे बारे में बुरा बोलते हैं मैं उनकी बातों पर बिल्कुल गौर नहीं करता. लोग बहुत सी बातें बोलते हैं स्पेशली पोर्चुगल में, लेकिन मुझे इन चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है. मैं हमेशा अपनी गेम को इम्प्रूव करना चाहता हूँ. मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ. अगर आप प्लेयर्स को देखेंगे तो गेम के खत्म होने के बाद वो सबसे पहले अपने सपोर्टर्स की तरफ जाते हैं और उन्हें थैंक्स बोलते हैं. लेकिन वहाँ दूसरे क्लब्स भी होते हैं जिनके साथ अच्छी ट्यूनिंग ना होने पर फैंस फौरन आपके अगेंस्ट हो जाते हैं. और यही वजह है कि वो आज भी रियल मैड्रिड के साथ खेल रहे हैं अपने एरोगेंस और अपने प्रोफेशनलिज्म की वजह से. इस सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए रोनाल्डो की मुलाकात मैनेजर सर एलेक्स फर्गसन से पोर्चुगल में डिनर पर हुई. सर एलेक्स के लिए फुटबॉल सुपरस्टार्स को हैंडल करना कोई नई बात नहीं थी. उन्होंने रोनाल्डो को 5 साल के एक्सटेंशन के लिए कन्विंस कर लिया और वो टीम की हिस्ट्री के हाईएस्ट पेड प्लेयर बन गए. ये लोग काफी हद तक फिल्म स्टार्स मूवी स्टार्स जैसे ही होते हैं. गेम में आजकल जिस तरह से पैसा लगाया जाता है इससे उनके स्टेटस काफी ऊंचे हो गए हैं. 5 साल के अपने नए अग्रीमेंट के साथ रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को लगातार 3 इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियनशिप्स दिलाई और इसके साथ साथ यूएफए चैंपियंस लीग ट्रॉफी भी घर ले आए. नहीं, मैं हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ. सीजन बाय सीजन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक बेटर प्लेयर बनूं, एक बेटर पर्सन बनूं. और मैं हमेशा सीखने में बिलीव करता हूँ और जब भी मुझे गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं स्कोर करता हूँ. फर्गसन के लेजेंडरी करियर की सबसे बड़ी कामयाबी रोनाल्डो को ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक यूनाइटेड यूनिफॉर्म में रखना थी. फर्गसन टैलेंट को और बेहतर बनाने के साथ साथ उनसे क्लैश करने के लिए भी जाने जाते थे. फर्गसन और डेविड बेकहम के बीच की टेंशन 2003 में बहुत ज्यादा पड़ गई जब एफए कप में आर्सेनल से हारने के बाद फर्गसन ने डेविड बेकहम के ऊपर बूट मार दिया था जिससे बेकहम को अपनी आंख के ऊपर स्टिचेस लगवाने पड़े थे. डेविड के सिर में किसी भी तरह के स्टिचेस नहीं आए हैं. वो एक खरोंच थी जिसका ट्रीटमेंट डॉक्टर ने कर दिया है. अब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है. He's perfectly all right. और बेकहम की ही तरह रोनाल्डो को भी रियल मैड्रिड में ट्रांसफर करने की उनकी रिक्वेस्ट 2009 में ग्रांट कर दी गई. 80 मिलियन पाउंड्स की ट्रांसफर फी उस समय रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी. आई थिंक हमारे पास वो प्लेयर है जो अपने गेम के टॉप पर है. ऐसा प्लेयर जिसने इनक्रेडिबल टैलेंट के साथ पोर्चुगल को छोड़ा, मैनचेस्टर के साथ खेलते हुए अपने इनक्रेडिबल टैलेंट को और बेहतर किया, और बतौर हेड कोच जितना मैं उसे जानता हूँ उसने अपना मैक्सिमम लेवल अचीव कर लिया है. वो एक फैबुलस प्लेयर है और नॉर्मली इस तरह के प्लेयर्स गेम में बदलाव लाते हैं. और फिर करंट टीममेट गैरेथ बेल ने मैड्रिड ज्वाइन किया जिन्हें टॉटनहैम से बार्कलेज प्रीमियर लीग में ट्रांसफर किया गया. गैरेथ बेल एक अमेजिंग प्लेयर है. शुरुआत में थोड़ी इंजरीज हुई थी उसे और कुछ स्मॉल प्रॉब्लम्स भी थी क्योंकि वो प्री सीजन गेम्स के दौरान हमारे साथ नहीं था, जिसकी वजह से उस पर प्रेशर बढ़ गया. उसके लिए वो बहुत ही मुश्किल वक्त था, बट आई थिंक वो अब अच्छी फॉर्म में है. वो काफी अच्छा खेल रहा है. वो टीम का एक इंटेग्रल प्लेयर है. लोग उसे पसंद करते हैं. आई मीन सपोर्टर्स, फैंस और टीम मेंबर्स भी. आई थिंक वो एक फैंटास्टिक प्लेयर है एंड आई विश उसके साथ हमारी टीम काफी ट्रॉफीज जीतेगी. मेरे हिसाब से क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं एंड आई थिंक मैं यहाँ हूँ उसकी एक बहुत बड़ी वजह वो भी हैं. मेरे हिसाब से हमारी टीम इस वक्त फुल ऑफ वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है और हाँ, उनसे बेटर अभी कोई नहीं है और उनके साथ खेलना एक ऑनर है. शुरुआत में सबके मन में ये सवाल था कि क्या ये दोनों खुशी खुशी एक ही टीम में खेल पाएंगे. उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन मैं समझ सकता हूँ. अगर आप उससे बात करते हैं तो वो हमेशा खेलने के लिए एक्साइटेड रहता है. ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प द टीम
वो बेहतर बनने की पूरी कोशिश करता है। मुझे लगता है कि उस पर प्रेशर डालना गलत है। बाकी प्लेयर्स पर हम थोड़ा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि मैं 100% जानता हूं अगर हम उस पर प्रेशर ना डालें तो वो बेहतर खेलेगा, क्योंकि वो एक फैंटास्टिक प्लेयर है, ही इज अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, और वो हमेशा सीखने की चाह रखता है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब फर्स्ट सीजन के बाद रोनाल्डो और बेल का कॉम्बिनेशन किसी भी ओपोजिंग टीम के लिए डेडली साबित हो रहा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत जल्द वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन बन गए। वो ग्लोब के मोस्ट गूगल सर्च्ड एथलीट बन गए। वो लाखों लोगों के आइडल हैं और बहुत से लोग उनसे नफरत भी करते हैं। वो इस स्पोर्ट के अल्टीमेट पोलराइजिंग फिगर हैं। I think that Ronaldo coming from a very poor background has indeed had an effect on his career and on his business decisions. I think that he has had to claw his way up and take every opportunity that's given to him, but equally so too have other people that have come from much better off backgrounds. But I think he's been very clever in the way that he's used his perhaps skills that he learned as a young age to his advantage today. Although much of Ronaldo's skill was shaped and molded with his fiery determination and will and pure hard work, one wonders if this otherworldly talent got an assist from destiny. Born on February the 5th, 1985, under the Aquarian sun and Leo moon, the stars lit the path for Ronaldo, equipping him with the relentless passion to be great. Aquarians are brilliant communicators that work well with the media, so they're an absolute gift to any corporate organization trying to push their wares. And Ronaldo has made many endorsements for most products you can think of. Those born with an Aquarian sun can be enchanting and often unhinged. The placement of Mars could tell us that little Cristiano Ronaldo would become a man of action, a self-sufficient born leader. It seems even the cosmos had made it their goal to see Ronaldo armed with all the traits of a superior athletic force. Ronaldo is a really typical Aquarian. He just loves the limelight, and Ronaldo will always want to succeed. He'll always want to be number one, the best. And if money comes with it, well, money comes with it. Aquarians can take it or leave it with money. But when money really comes to an aquarium, it either comes big time or nothing at all. In Ronaldo's case, he's made plenty in his life. But he's not the only one in his family to gain fame. Ronaldo's older sister, Katia Aviero, is a singer and signed a record deal in 2013. Es una experiencia buena. Estoy aprendiendo todos los días con él. Y eso para cualquier artista es un sueño, es bueno. Y más la mi responsabilidad es muy mayor, porque el Red One es un productor muy exigente. Y eso para mí es motivo de trabajar más, hacer mejor, aprender todos los días. Y para cualquier artista es un sueño. Y yo voy a dar mi mejor y seguir camino. Naturally, Ronaldo has always been her biggest fan, as she used to sing around the house when they were younger. No matter where her career takes her, Katia knows her younger brother will always be there to support her dreams. As Ronaldo's legions of fans grew, so did his critics. Ronaldo instantly had a target on his back. Tabloid magazines and websites hounded his every move off the pitch. The words to describe Cristiano Ronaldo: skimpy. Love skimpy. Speedos. I don't get it. You know, I suppose if you look that good, you can show it off, but he shows it off a lot. Any celebrity knows that as fame rises, privacy often falls. Paparazzi are an issue for any star, but for a global icon like Ronaldo, it can be impossible to find a moment's peace. उनके घर पर हमेशा कैमरामैन और वीडियोग्राफर्स की नजर रहती है, जो उन्हें हमेशा प्रोवोक करते रहते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बताइए, हमने सुना है कि वो एक मॉडल है। और रोनाल्डो का कई बार जर्नलिस्ट्स के साथ झगड़ा भी हो चुका है। इसके लिए उन्हें ब्लेम करना ठीक नहीं होगा, जब उनके एक एक कदम पर ये लोग नजर रख रहे हों। I think the difference with the Beckhams is that they're a partnership. There's one of Ronaldo, there's two Beckhams. They weren't the people that arrived on the scene many years ago. Ronaldo, I think, is equally making that effort. He comes from a very different culture, a very, very different way of life. However, his salary does allow the striker to outrun the Paps. The footballer has some of the fastest and most expensive cars on the planet. Whether he's whipping by in his Bugatti Veyron or cruising in his Rolls-Royce Phantom, he spent nearly $5 million on his treasured car collection.
Cristiano Ronaldo is one of the highest paid sportsmen in the world, so you can imagine he's going to have one of the best collections in the world. I mean, you can start off, he's got Bugatti Veyron, he's got plenty of Lamborghinis, McLarens, Ferraris, Bentleys, pretty much anything you can imagine Cristiano Ronaldo will have. The lifestyle is fantastic. There is money, there are cars, there are houses, media exposure. It's very difficult to live a life in the limelight, and that's why I think you see a lot of the younger stars sort of failing, as it would be, in many aspects of life by the time they're mid-20s. He likes to be seen, he's got a lot of convertibles, so he'll pop the roof and people, you know, he wants people to see him driving these cars, and that's part of his character. But he doesn't only fill his own garage. Ronaldo promised the five-person training staff of Real Madrid that if he won the FIFA Ballon d'Or, he would buy each of them a new car of their choice. In 2013, Ronaldo went home with the award, and true to his word, his training staff was driving home in their brand new cars soon after. I cannot expect a better night than this one, even in my dream. So I have to be proud of my work, what I did during the year, and this is going to give me motivation to work more and dedicate myself more for the future, and I hope to be here next year to try to win the third one. Throughout his career, Ronaldo made headlines on and off the pitch. हाल ही में उन्होंने अनाउंस किया कि जूनियर रोनाल्डो इस दुनिया में आ चुका है, लेकिन उसकी मदर की पहचान कभी नहीं बताई गई। बच्चे का नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर रखा गया, जो अपनी दादी के साथ हर मैच देखता है। रोनाल्डो का कहना है कि वो उसे रिलीजियस वैल्यूज के साथ बड़ा करना चाहते हैं और नहीं चाहते कि शानो शौकत और दौलत के नशे में उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। अपनी मैसिव वेल्थ और सक्सेस के बाद भी रोनाल्डो ये कभी नहीं भूलते कि वो कहां से आए हैं और अपनी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। वो गलियां और वो कंक्रीट की दीवार वो कभी नहीं भूलते। It's very important for the kids to have models. I don't say example, but models. People who really love their sports. And I think the best ones, they all really love the sports. They work very hard in training. They can work hours and hours to improve themselves. It's like an obsession. And they're all very passionate about the sport. And it's what it's important. अगर आप रोनाल्डो को छुट्टियों में देखना चाहते हैं तो आप शायद उन्हें लोकल बार में नहीं पाएंगे। बहुत ज्यादा उम्मीद है कि वो पोर्चुगल में यूथ प्रैक्टिस के बीच दिख जाएं। हेलो हेलो। ऑलराइट, पास 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 और उसके बाद शूट करना है। जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिले, शूट टू स्कोर। मुझे लगता है कि इतने सारे लोगों के लिए ये जगह थोड़ी छोटी है, इसे और बड़ा बनाना चाहिए। फास्ट होने के साथ साथ बॉल कंट्रोल भी बहुत जरूरी है। फेक शॉट्स लो और उसके बाद एक्सेलरेशन चेंज करके भागो। बॉल के ऊपर कंट्रोल बहुत जरूरी है। ये देखो, फेक शॉट एंड एक्सेलरेशन। गुड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कई बार एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडिंग और लाइफस्टाइल के लिए क्रिटिसाइज किया जाता रहा है, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि उनके दिली सपोर्ट और जेनरोसिटी की वजह से बहुत सी जिंदगियां बची हैं। वो जरूरतमंदों के यार हैं। दिसंबर 2004 में रोनाल्डो का नंबर 7 सिंबल ऑफ होप बन गया था। इंडोनेशिया के कोस्ट पर आए एक अर्थक्वेक की वजह से हिस्ट्री में अब तक की सबसे भयानक सुनामी आई। एक 6 साल का एकनीजी लड़का जिसका नाम मार्टुनिस था, मैसिव वेव की वजह से समंदर में बह गया। मार्टुनिस बहकर मैनग्रोव स्वैम्प में चला गया। वो जिंदा रहा तो सिर्फ पडल्स में पड़े रेन वाटर से और ड्राइड नूडल्स के पैकेट से, जो वेव में बहकर चले आए थे। उसने इस तरह 19 दिनों तक खुद को बचाए रखा और आखिरकार उसे रेस्क्यू करके उसके परिवार से मिलवाया गया। न्यूज एजेंसीज ने मार्टुनिस की वो इमेज ब्रॉडकास्ट की जिसमें उसने कटी फटी रेड फुटबॉल जर्सी पहनी हुई थी जिसके ऊपर नंबर 7 लिखा था। उसकी कहानी के साथ साथ मार्टुनिस की वो टी शर्ट वाली इमेज भी वायरल हो गई। उस बच्चे ने सुनामी में अपनी माँ के साथ अपनी बहन को भी खो दिया। टच्ड और हार्ट ब्रोकन रोनाल्डो मार्टुनिस से मिलने इंडोनेशिया गए। उन्होंने उस लड़के के एजुकेशन के लिए पैसा दिया और कम्युनिटी के रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन के लिए बहुत बड़ा डोनेशन भी दिया। We are like examples for the people and we have to give a good answer all the time for them, like to follow us like example. So it's great. I feel very, very proud for that, to be an example for the world, for the kids.
रोनाल्डो ने मैनग्रोव फॉरेस्टेशन को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे फंड्स भी जमा करवाए, क्योंकि इसी वजह से मार्टोनिस की जान बची थी जब वो 19 दिनों तक सुनामी की तबाही के बीच फंसा हुआ था। रोनाल्डो के क्रिटिक्स शायद उन एफर्ट्स को इग्नोर कर जाते हैं जो उन्होंने लोगों के भले के लिए किए हैं। जब रोनाल्डो को पता चला कि उनकी सबसे बड़ी फैन यानी उनकी माँ को कैंसर है तो उनकी जिंदगी रुक सी गई। उनकी माँ को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ और उन्हें इस बीमारी से बचने के लिए रेडिएशन ट्रीटमेंट के दर्दनाक प्रोसीजर से गुजरना पड़ा। उन्हें सफर करता हुआ देखने के बाद क्रिस्टियानो ने जेनरसली उस हॉस्पिटल को 100,000 pounds डोनेट किए जिसने उनकी मां की जान बचाई थी। उन्होंने कैंसर से रिलेटेड चैरिटीज को सपोर्ट करना जारी रखा और मेडेरा के हॉस्पिटल सेंट्रल में कैंसर स्पेशलिस्ट सेंटर बनवाया। इसके एक साल पहले रोनाल्डो को 10 साल के एरिक क्रूज ऑर्टीज की फैमिली की तरफ से एक लेटर मिला। इस नन्हे रियल मैड्रिड फैन को ब्रेन अबनॉर्मैलिटी थी जिसके लिए सर्जरी की जरूरत थी और उसके पेरेंट्स होप कर रहे थे कि रोनाल्डो उन्हें एक जर्सी और कुछ शूज डोनेट कर देंगे जिसे ऑक्शन करके उन्हें इसके लिए कुछ पैसे मिल जाएंगे। रोनाल्डो ने कुछ स्टेप्स आगे बढ़ते हुए ऑपरेशन के लिए 60,000 pounds दे दिए। पोर्चुगल में वो लोगों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। पूरा देश उसे प्यार करता है। लोग उसके अच्छे कामों के बारे में बहुत कम जानते हैं। वो बहुत सारा पैसा एनजीओस या चैरिटी में डोनेट करता है। वो पोर्चुगल के स्लम्स से जुड़े बहुत से प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है और यही बात उसे एक रियल स्टार बनाती है। अपनी सारी दौलत और शोहरत के बावजूद कोई ये नहीं कह सकता कि रोनाल्डो आम लोगों के लिए नहीं बने। मायामी में यूएफए चैंपियनशिप्स लीग फ्रेंडली के दौरान चेल्सी के ऊपर रियल मैड्रिड की 3-1 से जीत के बाद एक फैन दौड़ता हुआ फील्ड में आया और उसने रोनाल्डो को गले लगा लिया। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने उनसे कहा थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू आपने जो भी मेरे लिए किया। मैंने अगर आपको बतौर रोल मॉडल फॉलो नहीं किया होता तो मैं आज जहां हूं वहां नहीं होता। मैंने कहा मैंने आपको 2005-2006 से हमेशा फॉलो किया है जब आप फेमस भी नहीं थे मैड्रिड में। काश मेरे पास उस वक्त ये जर्सी होती उन्हें दिखाने के लिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने ये सब फेम पाने के लिए नहीं किया। मैंने उन्हें तब से फॉलो किया जब वो मेरी तरह ही एक टीनेजर थे और मैं उसी वक्त से जानता था कि उनके अंदर पोटेंशियल है। इसलिए मैंने उनसे कहा आपने जिंदगी के मुश्किल वक्त में मेरी मदद की। मेरी भी आप ही की तरह एक सिंगल मॉम थी, मुझे भी आपकी तरह डैड की कमी महसूस होती है। एंड आई थिंक उस मोमेंट ने मुझे बहुत टच किया जब मैंने उनके कान में विस्पर नहीं किया बल्कि कहा था कि अगर मेरी लाइफ में कोई फादर फिगर है तो वो हमेशा से आप हैं, क्योंकि मैंने देखा है सॉकर फील्ड के अंदर और बाहर जो भी उन्होंने किया है उससे मुझे हमेशा इंस्पिरेशन मिली है। ही इज माई हीरो। रोनाल्डो ने बड़े प्यार से उस फैन से बात की और उसे सिक्योरिटी के साथ बाहर भिजवा दिया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रोनाल्डो ने फ्लोरिडा के जज को लेटर लिखा कि सभी क्रिमिनल चार्जेस ड्रॉप कर दिए जाएं। मैंने उनसे कहा रोनाल्डो मैंने आपकी हर चीज फॉलो की है, प्लीज मुझे पुलिस में मत दीजिए। और उन्होंने कहा कि डोंट वरी तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेटर में रोनाल्डो ने लिखा कि जहां तक मैंने जाना है इस लड़के का फ्यूचर मुझे ब्राइट नजर आता है और मैं नहीं चाहता किसी गलत जजमेंट से उसका फ्यूचर बर्बाद हो। अगले दिन चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए। क्रिस्टियानो एक ऐसे एथलीट हैं जो अपने लुक्स को लेकर बहुत प्राउड फील करते हैं और इस बात को छुपाते तक नहीं, और उन्हें पता है कि ये सब ब्रांडिंग का खेल है। रोनाल्डो ने अपने नेटिव मडेरा में CR7 नाम का एक बुटीक खोला और इसकी एक ब्रांच 2008 में लिस्बन में खोली। इसके अलावा रोनाल्डो ने मेन के लिए CR7 बैनर के अंडर अंडरगार्मेंट ब्रांड भी डिजाइन किया। CR7 रोनाल्डो का ब्रांड है और काफी फेमस भी हो चुका है। आई डोंट थिंक ये बेकहम जितना बड़ा है। आखिर बेकहम दुनिया का सबसे फेमस फुटबॉलर जो है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आई वाजंट बोर्न इनटू फैशन, लेट्स बी रियल, बिकॉज़ इन द अर्ली डेज व्हेन वी सॉ हिम विद वे टू मच हेयर जेल, आई मीन डिपिटी डू वाज लाइक हिज गो टू, इट वाज जस्ट टू द एक्सट्रीम्स। ही यूज्ड वेरी ब्लॉक बोल्ड कलर्स, व्हिच इज वेरी मच रोनाल्डोस वे ऑफ यूजिंग हिज फैशन एक्सटर्नली एज़ वेल एज़ इंटरनली ऑन हिज अंडरपैंट्स एंड सॉक्स। To Beckham, there is no comparison as footballers. Looks Beckham well in front, even though a lot of people might have you think different. He didn't care. Profits में जबरदस्त बूस्ट आया और उनका ब्रांड बहुत तेजी से ग्रो करने लगा। जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि बच्चे आपको अपना रोल मॉडल मानने लगे और वो ये देखते हैं कि आप किन कंपनीज के लिए एडवर्टाइज कर रहे हैं और वो वही चीजें खरीदते हैं, तो जाहिर है कि आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि आप खुद का ब्रांड बना सकें और आप अपना खुद का ब्रांड बनाकर चीजों को बेच सकते हैं और लोग उन्हें खरीदना शुरू कर देते हैं। Businesses will want to be linked with them and sponsorship deals on top of that
obviously helps to increase their income. Former Manchester United player ke footsteps ko follow karte hue Cristiano bhi legend banne ja rahe the. Well, mujhe fashion pasand hai, you know, ye waisa hi hai jaisa aapko acha dikhna pasand hai. Chahe aap football field par ho ya apne family ke saath dinner kar rahe ho. Aur ise pura kiya Irina Shayak jaisi high profile girlfriend ne. Jab aap itna paisa kamate hain to aapko samajh mein nahi aata ki ise kharch kahan kare. To phir aksar aise cheezon mein hi kharch kiya jata hai. Ye supermodel aur Cristiano 2010 se hi saath saath dekhe jate hain. दूसरे सॉकर आइकन लियोनेल मेसी को भी वर्ल्ड कप के ग्रैंड स्टेज पर परफॉर्म करने की जबरदस्त जिम्मेदारी दी गई थी। फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के मेसी की हाइट थोड़ी कम है और उनके पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे गुड लुक्स भी नहीं है। I just think the way he plays the game and the goals he scores and it just looks, you know, spectacular. A lot of kids, probably because of his physical appearance as well, would want to be Ronaldo more than Messi. Messi is a great player, everyone talks about the Messi Ronaldo. Messi's a fantastic player, but he's a great player in a very good team, and I think Ronaldo's an exceptional player in not so good side. Cristiano Ronaldo ko dekhkar lagta hai ki wo jaise football ke liye hi bane hain, aur Lionel Messi ko dekhkar lagta hai ki wo koi aam aadmi hai. इसी वजह से मेसी की तरफ काफी फैंस अट्रैक्ट होते हैं। ज्यादातर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड्स में यही दोनों आगे पीछे होते हैं और इन्हें कंपेयर भी काफी किया जाता है। अपनी बिल्ड के साथ मेसी को सिर्फ अपनी फुटबॉलिंग एबिलिटी पर ही डिपेंड करना पड़ता है और इसी वजह से मैं मेसी को बेटर प्लेयर मानता हूँ। आई थिंक इसके लिए सभी लोग मेसी और रोनाल्डो का ही नाम लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को यूं ही चुन लिया जाए, बल्कि ऐसा कोई प्लेयर जो रैंक से धीरे धीरे ऊपर आया हो, जैसे अर्जेंटीना के गोंजालो हिग्वेन, जो कि वाकई एक स्टार प्लेयर हैं, लेकिन उतने फेमस नहीं है जितना कि उन्हें होना चाहिए था। रोनाल्डो के रियल मैड्रिड में ट्रांसफर होने के बाद उनके बीच कंपैरिजंस का बाजार गर्म हो गया। मेसी लगातार 3 साल तक फीफा बलॉन डोर को घर लाए थे। रोनाल्डो ने उनकी ये स्ट्रीक 2013 में तोड़ी। Good evening. There are no words to describe this moment. I want to thank all my. मैं अपनी टीम के सभी कंपेनियंस और कॉलीग्स का थैंक्स कहना चाहूंगा। ब्राजीलियन और पोर्चुगीज टीम के साथ साथ अपनी फैमिली का थैंक्स कहना चाहूंगा जो आज मेरे साथ है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज है। जैसा कि मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 3 बेस्ट प्लेयर में अपना नाम देकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे लिए ये एक प्राइज है। मुझे खुशी है कि ये प्राइज क्रिस्टियानो को मिला और वो इसे डिजर्व करते हैं। मेसी और रोनाल्डो का फुटबॉल की दुनिया में भले ही बहुत बड़ा नाम हो, लेकिन इंटरनेशनल स्टेज पर ऑल टाइम ग्रेट्स के मुकाबले वो अभी बहुत कम ऊंचाई पर थे। पेले, जिन्होंने 3 वर्ल्ड कप्स जीते थे, ऐसा करने वाले वो अकेले प्लेयर हैं। मेरे हिसाब से पेले अब तक के बेस्ट प्लेयर हैं और मुझे इसे बदलने की कोई वजह नजर नहीं आती, इसलिए मैं बतौर प्लेयर पेले को रोनाल्डो से पहले रखता हूँ और रोनाल्डो को बेकहम से पहले। और लुक्स के लिए मैं इसका रिवर्स कर दूंगा, बेकहम रोनाल्डो पहले, नो चेंजेस। दूसरे रोनाल्डो यानी रोनाल्डो लुई नजारियो द लिमा 2 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं और 15 गोल्स के साथ लीडिंग वर्ल्ड कप गोल स्कोरर हैं। डिएगो मैराडोना ने अपनी कैप्टनसी में अर्जेंटीना को 1986 में वर्ल्ड कप जिताया और सर बॉबी चार्ल्टन 1966 में इंग्लैंड को जिताकर लेजेंड बन गए। मैनचेस्टर यूनाइटेड में मेरे काफी लंबे समय तक टिके रहने की एक वजह बॉबी भी थे, क्योंकि उन्हें मेरे ऊपर यकीन था, उन्हें उस रूट और डायरेक्शन पर भरोसा था जिस पर मैनचेस्टर यूनाइटेड आगे बढ़ रहा था और फिर से यंग प्लेयर्स को प्रोड्यूस करने की राह पर चल रहा था, और बॉबी इन सब के इंटीग्रल पार्ट थे, जिसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
ये वो इंटरनेशनल स्टेज है जहां फुटबॉल के स्टार्स लेजेंड बन जाते हैं, क्योंकि दुनिया के हर कोने में 70 करोड़ लोग आपको देखते हैं। ये वो स्टेज है जहां इस गेम के स्टार्स सच में चमकना शुरू करते हैं। वर्ल्ड कप में हुई हार ने 2014 के समर में होने वाले कैंपेन में रोनाल्डो और मेसी के ऊपर काफी प्रेशर डाल दिया था। वेल, जब ग्रुप स्टेज बना तो मैं देख नहीं रहा था, मैं दरअसल सो रहा था। मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, ये एक बहुत ही मुश्किल ग्रुप है। इसमें जर्मनी है जो इस साल वर्ल्ड कप जीत सकती है, और बाकी दो टीम्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और घाना, ये दो काफी अच्छी टीम्स हैं। इसीलिए मुझे लगता है इस ग्रुप से क्वालिफाई करना मुश्किल है। वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के बाद पोर्चुगल प्लेऑफ्स के थ्रू आगे बढ़ा था, इसलिए इसके काफी चांसेस थे कि वो वर्ल्ड कप के डार्क हॉर्सेस साबित हो। आई थिंक उस ग्रुप में रशिया के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और हमने कुछ पॉइंट्स ड्रॉप किए जो मुझे लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब सब कुछ हो चुका है। हमने प्लेऑफ्स खेल लिए हैं, हमने दोनों गेम्स जीते और हमने बहुत अच्छा खेला। गुड एंड यू नो द गोल, इट्स गुड बिकॉज़ यू नो वी विन एंड वी आर रेडी इन वर्ल्ड कप। While Messi's Group F is a bit less daunting, going up against Iran, Nigeria and Bosnia and Herzegovina, who they meet after this round may be the real challenge. After all, never dismiss England. Premier League favourites such as Arsenal's Jack Wilshere hope to surprise fans back home and around the world. Many critics believe... लेकिन मेसी और रोनाल्डो को खुद को establish करने के लिए अब तक का अपना सबसे अच्छा गेम खेलना था, और इतना ही नहीं, जीतना भी था। सारे competitions important होते हैं, और ये मेरे लिए थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत टाइम बाद ब्राजील में हो रहा है और मैं पोर्चुगल से हूँ। ब्राजील और पोर्चुगल का कल्चर बहुत सिमिलर है, हम ब्राजील के साथ कुछ हिस्ट्री शेयर करते हैं, हमारी लैंग्वेज भी सेम है, इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बिग इवेंट। आई थिंक क्रिस्टियानो's chances of becoming a legend this World Cup will unfortunately not be solely determined by him and him alone. It will depend on how the team as a whole performs. If he can do that again, then he will earn that legend status, and rightly so, if he could take Portugal through to win the World Cup. Hamari language same hai, wahan bahut se log Portuguese bolte hain, aur hum is baat se bahut khush hain, aur hum bahut enjoy karne wale hain. You know, it's the World Cup. सारी नेशनल टीम्स आने वाली हैं, ये मेन कंपटीशन है, सो वी गोना एंजॉय इट। प्लेयर्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर के अलावा वर्ल्ड कप की होस्ट कंट्री को अपने भी कुछ इश्यूज निपटाने थे। वैसे तो ब्राजील वर्ल्ड कप को होस्ट करने को लेकर बहुत एक्साइटेड था, लेकिन इवेंट की कॉस्ट उसके ऊपर भारी पड़ रही थी, जिसमें प्लेयर्स के साथ साथ फैंस की भी मैसिव सिक्योरिटी का इंतजाम करना था। स्टेडियम कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ही $3 बिलियन से ऊपर पड़ रही थी। इसके बावजूद सभी कंट्रीज के बीच होस्ट कंट्री बनने की होड़ लगी हुई थी। इंग्लैंड ने इस होड़ को जीतने के लिए अपने फ्यूचर किंग को अपने फुटबॉल लेजेंड्स के साथ भेजा, मगर नाकाम रहे। बिड जीतने के बाद भी इवेंट शुरू होने के पहले कई प्रॉब्लम्स खड़ी होने लगी, जैसे कतर के साथ हुआ। लेकिन ब्राजील के वर्ल्ड कप इवेंट का फेस पेले के होने की वजह से श्योर था कि इस इवेंट में रिकॉर्ड बुकिंग्स होने वाली हैं। ब्राजील में जो कुछ भी हुआ वो सबके लिए सरप्राइज था, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। जहाँ तक फुटबॉल की बात है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये ब्राजीलियन कंट्री के लिए सबसे बड़ा प्रमोशन है, और जब आप वर्ल्ड कप जैसा इवेंट कर रहे हो जिसको आप ओलंपिक से कंपेयर कर सकते हैं, तो ऐसे में सभी को साथ में आना चाहिए। लेकिन ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, और इसमें कोई शक नहीं है कि वर्ल्ड कप फैंटास्टिक होने वाला है, इसलिए इस वक्त हम सिर्फ उसी पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं ताकि खेल पर इसका असर ना पड़े। 2014 was the start of an important year, kicking off with a coveted awards nomination. Cristiano was nominated for the Lloris Sportsman of the Year award. The Lloris World Sports Awards represents a very high standard of sport, and all of our nominees each year have achieved at the very highest level. The athletes who have won this award in the past are always very, very thankful and appreciative of the academy and us as athletes ourselves, having recognized their performances. The Lloris Awards acknowledge the most remarkable male and female athletes from the previous year. It is one of, if not the most prestigious awards in all of sports. He'll get it.
really. I don't know, but I think he'll get it. Messi has already been there two or three times, I think. But last year, in particular, Ronaldo was sensational. I feel very, very proud for that, to be nominated with these great sports and all the sports, athletism, Formula One, and for me it's great. I think it's my first time nominated, or second time for the laureates, and it's a big pleasure. Sponsored by Mercedes-Benz and IWC Schaffhausen, the charity's first patron was the late, great Nelson Mandela. Well, it means a lot. You know, Nelson Mandela, it was the man going to be in our heart for all life. I had opportunity to meet him in his house. He had a big family, you know, everyone there, his nephews and... Nephews, no? Yeah, we say nephews. Yeah, nephews and all the family. It was amazing moment for me. And I have opportunity to speak with him a little bit. You know, he was a little bit sick, but we had a little conversation. It was amazing. It was a very, very special day for me. A footballer's never won Sportsman of the Year, but Sir Bobby Charlton was a fitting recipient of the Laureus Lifetime Achievement Award in 2012. Charlton was one of the most famous Englishmen of his age. He survived the Munich air disaster, which caused the tragic deaths of 23 of his Manchester United teammates. Taking it well. Look at her while you're doing it. She hasn't been down to see me, you know, but it's a bit of a long way and I'm all right. I know. I could have been a bit worse off, like some of the others. Charlton became the face of the club during the rebuilding efforts and led England to a World Cup victory in 1966, plus winning the Euro Cup with Manchester United in 1968. Charlton has served as director of the Red Devils since 1984 and is a respected ambassador for his club and the game of football. A legend in his own right, Ronaldo was nominated for the award for good reason. He scored a career best of 69 goals. He carried Portugal into the World Cup, scoring an incredible hat-trick in the qualifier. And Ronaldo finally bested Lionel Messi, winning the FIFA Ballon d'Or. A lot of what we see now is the rewards you can get for being a very good footballer. But we don't actually see the fact that the reason you start playing football in the very first place is because you're the same as every other kid or a person in a park or a yard, and you kick a ball because you enjoy it. And while you do that and you get paid for it, it's the greatest thing in the world. Although Formula One race car driver Sebastian Vettel walked away with the Laureus trophy, Ronaldo was in pretty select company. आप उन्हें लव कीजिए या हेट कीजिए, लेकिन इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि इस गेम के ऊपर रोनाल्डो का असर जबरदस्त है. लोगों की धड़कन उनसे जुड़ी रहती है, चाहे उनके गोल पर चीयर कीजिए या उन्हें कर्स कीजिए. वो गेम के सबसे फेमस फेस में से एक है, और इस फेस के ऊपर ब्राजील में एक बार फिर लोगों की नजर टिकी हुई थी, जहां गेम के बेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लेयर्स वर्ल्ड कप में 70 करोड़ लोगों के सामने कम्पीट करने वाले थे. And this one is a special one because it was in Brazil, will be in Brazil. For us, Portuguese country, it's very important because, you know, we have history with Brazil, the culture, and we speak the same language. So it's fantastic. We are so proud to be part of this big event. All eyes will be on the likes of Neymar, who will have the pressure of representing his home country, Brazil, with Chelsea favourite David Luiz as a teammate. We know everybody always likes to talk about Brazil. Brazil has always been producing great results through the years. We've won 5 titles, so it's natural people always talk about us. But Brazil is Brazil. In the World Cup, questions are answered and the pressure to perform is nothing short of daunting. Once you reach a World Cup, there's, you know, anything can happen. اول دوم هم واسه ایران داره بازی میکنم و تونستیم بریم واسه ورلد کاپ. ورلد کاپ میں کھیلنا ایک آنر ہے اور سبھی پلیئرز اسے بہت سیریسلی لیتے ہیں. اپنے کلب کے لیے کھیلنے کے مقابلے اپنی کنٹری کے لیے کھیلنے کے دوران آپ کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کا سمپل ریزن ہے کہ آپ کو کچھ سپورٹرز کے گروپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کھیلنا ہوتا, بلکہ آپ کو پوری کنٹری کے لیے کھیلنا پڑتا ہے, اور اسی وجہ سے پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لوگوں کو یہ وشواس بھی دلانا پڑتا ہے کہ آپ پورے جی جان سے یہ گیم کھیلیں گے, چاہے آپ کے سامنے والی ٹیم میں آپ کے کلب کی ٹیم کا فیورٹ پلیئر ہی کیوں نہ کھیل رہا ہو. Certainly don't underestimate the lads from the British Isles, as the England team is comprised of some of the best players in the Premier League. It's
probably two of the biggest games for years, certainly which I've played in for England, in terms of importance and of having to win to be successful. One thing is certain, millions around the world always gravitate towards this illustrious event. From Ronaldo, Messi, Neymar, Rooney, Ribéry, and many other giants of the sport, this is the place to carve out their legacy. This the most beautiful of games. We're confident, we're excited. We deserve to win 100%. And only time will tell if their work is indeed a masterpiece.